हरियाणा में कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने किया भाजपा में शामिल होने का ऐलान, आज दे दिया विधायक पद से इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में टीएमसी के 100 नेताओं के पीछे लगी ईडी, सुवेंद्र अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी लिस्ट। सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर दी शपथ, पटेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष पद की शपथ ग्रहण की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पंडित नेहरू के साथ तिरंगा वाली तस्वीर को अपने सोशल मीडिया की डीपी पर लगाकर बीजेपी को दिया जवाब, तो बीजेपी ने कसा तंज। केरल में लगातार भारी बारिश से हाहाकार, 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, 6 लोगों की मौत तो वहीं हजारों लोगों को राहत शिविर पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट में किया फेरबदल, कुल 10 नए मंत्रियों को मिले जगह, जिसमें बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया गया। एशिया कप और नीदरलैंड सीरीज के लिए पाकिस्तान ने टीम का किया ऐलान, आगामी T20 टूर्नामेंट में भारत से होगी पहली भिड़ंत, 28 अगस्त को दोनों टीमें होंगी आमने सामने। मंकी पॉक्स पर दिल्ली सरकार का अलर्ट जारी, 3 अस्पतालों को 10-10 कमरे रिजर्व करने को कहा। नई शराब नीति को लेकर उठे विवाद, दिल्ली में शराब की 125 दुकानों पर लगा ताला, कारोबारी बोले शराब नीति पर तकरार के चलते हो रहा भारी नुकसान। ताइवान की राष्ट्रपति से मिली अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, कहा ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध, हम दोस्ती का संदेश देना चाहते हैं।